गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है, धूप निकली हुई है, बहुत तेज धूप निकल रही है और टेम्परेचर भी बढ़ गया है, सो इट इज़ सो नाइस। काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब बाहर जाने में भी मज़ा आएगा, थोड़ी ठंड कम लगेगी तो बाहर जाना आसान रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, धूप आ रही है मेरे चेहरे पे, इतनी अच्छी लगती है मुझे धूप। ऑन दिस हैप्पी नोट स्टार्टिंग माई डे एंड लेट मी शो यू हाउ इट गोज। मैं और अंकित लिटरली पागल हो जाते हैं इंडियन स्टोर जाके, बिकॉज इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ मन करता है खरीदने का। में क्या है? वड़ा पाव, दाबेली। दाबेली एंड वड़ा पाव। एक्साइटमेंट लेवल? हाय। वी कुडंट कैरी स्टफ, बट इट वाज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। लेज मसाला दिख रहा था, मैगी दिख रही थी, टॉप रैमन दिख रहा था, सब दिख रहा था और इतना मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना है ऐसे टाइम पे। अब आई एम गोइंग टू द हम्बर बे आर्च ब्रिज, व्हिच इज वेयर आई एम टेकिंग यू टुडे। I have boarded this bus and I'm going alone. It is a couple of kilometers from here. I'll be reaching in around 15 minutes. Humber Bay is actually a bridge that I have been wanting to see for a long, long time. It has one of the most beautiful sunsets. So, yeah, let me take you there. मैं जा रही हूँ हम्बर ब्रिज। बहुत पुराना ब्रिज है, 1990 में बना था एंड उसको कनेक्ट करते हुए एक बहुत बड़ी ट्रेल है विच इज़ अलोंग हम्बर रिवर। एंड यहाँ तो मैंने बस लिया और मैं एक जगह उतरी हूँ, वहाँ से एक ट्रेल है, तो अभी तक मैं ब्रिज तक नहीं पहुँची हूँ, बिकॉज यहाँ से ही नज़ारा इतना सुंदर है। जैसे आप देख सकते हो पीछे पूरा टोरंटो का स्काईलाइन और सीएन टावर दिख रहा है एंड क्या मेरा दी ब्यूटिफुल पेयर ऑफ स्वॉन्स। पता नहीं क्यों स्वॉन्स को देखना इतना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल लगता है। क्या बट अभी मैं थोड़ी देर यहीं बैठी हूँ, आई एम सिटिंग हियर एंड थोड़ी देर में आई विल गो टू द ब्रिज। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ही मिलने आई है। ये दोनों स्वान्स कुछ देर के लिए अलग हो गई थी, नाउ दे आर ट्राइंग टू कम बैक टुगेदर। इट्स जस्ट सो स्वीट। यहाँ से टोरंटो की स्काईलाइन दिख रही है, दिस इज़ एक्चुअली डाउनटाउन टोरंटो दैट यू कैन सी एंड एंड यू कुड सी द सीएन टावर एज वेल। बट ये इतने प्यारे नज़ारे हैं। कहते हैं कि स्वॉन्स ऑलवेज ट्रैवल इन अ पेयर and I got to witness this today, the two of them together. It is so beautiful, they look so peaceful and serene. Itna soothing lag raha hai yahan pe, itna peaceful lag raha hai. I've been sitting here for the last 20 minutes aur mera mann hi nahi kar raha hai jaane ka. To actually see jo main dekhne aayi thi wo hi nahi dekh payi hu abhi tak. But अब जा रही हूँ, finally going towards it. I am so happy. I've got some really beautiful shots. मतलब इतनी सुंदर
और पानी और पानी पे सन की रेज डायमंड की तरह चमक रही है इतना प्यारा है। तो हाँ, हम्बर बे का ये एक वॉकिंग ट्रेल है, जैसे आप देख रहे हो जहाँ मैं वॉक कर रही हूँ। यहाँ से वॉक करके आई विल गो टूवर्ड्स द हम्बर बे ब्रिज, विच इज़ अ ब्रिज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द हम्बर रिवर, एंड इट्स काइंड ऑफ एन एंड टू अ ट्रेल। इट्स अ लॉन्ग ट्रेल अक्रॉस द एंटायर हम्बर रिवर। तो चलो वो दिखाती हूँ आपको। Guys, if you haven't subscribed to my channel, subscribe now. There are some really epic places that I will be traveling to very soon, and hopefully I can show them to you. But I want to also keep this real and let you know कि हमेशा life ऐसे travel नहीं होती है, काम भी बहुत सारा होता है। There's a lot of planning, investment in terms of not just in terms of money, but in terms of time as well that goes into all of this. आई होप मैं आपको ये सब दिखा पाऊँ और मैं जस्टिस कर पाऊँ इस प्लेस के साथ जो मैं एक्चुअली अपनी आँखों से देख रही हूँ। तो या आई एम अप्रोचिंग द हम्बर ब्रिज नाउ। बहुत बड़ा ब्रिज है, मतलब ऑफकोर्स और भी बहुत ब्रिजेस हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लुकआउट्स बने हुए हैं जहाँ आप यू कैन जस्ट लाइक सिट ऑन टॉप ऑफ अ ह्यूज rock and chill. Pa 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 pa. पूरा व्यू है फ्रॉम द ब्रिज, दूर दूर तक पानी ही पानी। एंड आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ही इज लाइक समवन हु इज देयर फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एंड टू गार्ड सो दैट पीपल डोंट जंप ऑफ द ब्रिज। फाइनली एक अच्छा दिन बिताने के बाद, सन अच्छे से सोक करने के बाद, पीसफुल टाइम स्पेंड करने के बाद, and after 20 minutes of sitting just quietly doing nothing, I'm here, and here is the Humber Bay Arch Bridge. So yeah, it's above the Humber River. And now I'm at the Sheldon Lookout, which was given to Toronto by Sylvia and David Sheldon. It is in loving memory of his parents. पीसफुल जगह पे आ गई हूँ बिकॉज आई फील रियली नाइस यहाँ पे। अब
वापस जाने का टाइम आ गया है, मेरी बस आ रही है 5 मिनट्स में, आई हैव टू गो बैक. बट दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइज एंजॉयड, हैड फन. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.